हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूँ ढोकला रेसिपी। मेरी ढोकला रेसिपी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और फिर कई लोगों के मेल्स आए मेरे पास, फेसबुक पे भी डिमांड आया और मेल्स भी आए और यूट्यूब पर भी डिमांड आया कि मैं माइक्रोवेव में ढोकला बनाकर दिखाऊं। तो आज मैं माइक्रोवेव में ढोकला बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये मेरा माइक्रोवेव से निकाला हुआ ढोकला है और ये एंड रिज़ल्ट है। इसके बाद सीधी टेम्परिंग होगी। तो इसके लिए मैं पहले आपको स्पॉन्ज टेस्टिंग दिखा देती हूँ कि माइक्रोवेव में बना हुआ ढोकला भी कितना स्पॉन्जी हो सकता है। ये है इसका स्पॉन्ज, इंटरनल स्पॉन्ज, बाहर से ऐसा लगेगा। टेक्सचर भी इसका काफ़ी बाउंसी है। ये मैंने अभी कट करके रखा है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ तक, इस रिज़ल्ट तक मैं कैसे पहुँची हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रेसिपी। माइक्रोवेव में ढोकला बनाने के लिए मैंने ये अप्रॉक्स 1 कप बेसन लिया है, इसे चिकपी फ्लावर भी कहते हैं। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1 बिग लेमन जूस है, अप्रॉक्स वन टेबल स्पून है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 2 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, सोडा बाइकार्बोनेट कहते हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम जब ढोकला मैंने बनाया था तो मैं पिंच ऑफ सोडा बताना चाह रही थी, अनोटेशन में भी मेंशन है उसमें कि 1 पिंच ही लेना है। बेकिंग पाउडर है वो, तो अगर आप 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे तो आपका ढोकला ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पिंच मैंने बेकिंग सोडा लिया है सिर्फ उसको एक टेक्सचर देने के लिए, ताकि जब मैं उसमें भगाड़ लगाऊं, टैम्परिंग करूं उसकी, तड़का लगाऊं, तो उसमें एक अच्छा फ्लेवर आए, वो बिल्कुल गले ना, इसलिए ये डाला है। और कोई वजह नहीं इसको डालने का, फ्लफ़ीनेस इससे आएगी। जब हम बेकिंग पाउडर डालते हैं तो उससे फ्लफ़ीनेस आती है। इसको फुलाने के लिए मैंने यहाँ पे लेमन लिया है। लेमन और सोडा जब मिलता है तो उसमें फ्लफ़ीनेस किसी भी चीज़ में आ जाती है, तो इसीलिए इस दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे डो तैयार करना है। लेकिन ये लास्ट में होगा, पहले हम इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे, और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों लास्ट में मिलेगा एकदम जब मैं बनाने वाली होंगी इसको। तो पहले इसका डो तैयार कर लेते हैं। अब मैं इसका डो बना लूँगी। एक पेस्ट होगा, डो नहीं कह सकते हैं। लेमन जूस, सॉल्ट डालना है, जितना रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। ये काम आप या तो विस्कर से कीजिए, अगर विस्कर आपके पास नहीं है, अगर ये विस्कर आपके पास नहीं है तो आप फोर्क से कीजिए, क्योंकि बेसन में बहुत लम्स होते हैं और स्पून से बहुत टफ होता है इसको मिलाना। एक और बात नोट करने लायक है, वो ये है कि जब हम स्टीम में ढोकला बनाते हैं तो उसमें वाटर कम होता है, क्योंकि स्टीम से ही ढोकला बनता है। तो जो जितने भी बेसन में पानी है वो वोपोरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टीम इसके इन्वायरमेंट में होती है। बट जब हम माइक्रोवेव में ढोकला बनाते हैं तो उसमें इवोपरेशन होती है, पानी सूखता चला जाता है। तो ये याद रखना है कि ढोकला का डो थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, स्टीम वाले से जो बनाते हैं उससे ज़्यादा ढीला होना चाहिए। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून वाटर और ऐड करूँगी। ये कंसिस्टेंसी होगी इसकी, तभी ढोकला फ्लफ़ी होगा, वरना वो बिस्किट भी बन सकता है आपका। क्योंकि माइक्रोवेव में जितने भी हम कुछ भी बनाते हैं, वो जब हम गैस या स्टीम से बनाते हैं या ओवन में बनाते हैं तो उसकी हीट ऊपर से नीचे अंदर की ओर जाती है। बट जब माइक्रोवेव में बनाते हैं तो वो सबसे पहले किसी भी खाने का सेंटर लेता है, वहाँ से पकता है, वो बाहर की ओर पकना शुरू होता है। तो अगर आप केक या ढोकला, अगर थोड़ा मॉइस्ट नहीं रहेगा, ज़्यादा ढीला नहीं रहेगा, तो माइक्रोवेव में होगा ये कि अंदर वाला अगर बाहर वाला पकता है तो अंदर वाला बिस्किट बन जाएगा, बिल्कुल जो सेंटर में होगा वो बिस्किट बन जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये मॉइस्ट ज़रूर हो। और इसमें अभी मुझे थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करना है, तो अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है ये। अभी मैं इसको 10-20 मिनट्स कम से कम सेट होने के लिए छोड़ूंगी, जिसमें बेसन थोड़ा सा फूल जाएगा पानी अब्जॉर्व करके, तो ये ज़्यादा बेटर बन पाएगा। वैसे इसमें ग्रैनुल्स होते नहीं है, बहुत फाइन ग्रैनुल्स होते हैं, फिर भी ज़रूरी होता है कि बेसन थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए।
तो मैं इसको 20 मिनट्स छोड़ देती हूँ। ढोकला बनाने के लिए यहाँ पे जो मैं मोल्ड यूज़ कर रही हूँ वो ये मोल्ड है। ये एक्चुअली एक लंच बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, छोटा सा लंच बॉक्स है जिसका ढक्कन भी है। अगर आप चाहें तो ढोकला का डो डालकर ढक्कन लगा के भी बना सकते हैं, माइक्रोवेव में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डब्बा का ढक्कन बंद भी होगा तब भी वो अंदर उतना ही पकेगा। बट मैं यहाँ पे एक दूसरा ट्रिक यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया और मुझे उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर लगा। ये आपको याद होगा, ये लंच बॉक्स मैंने यूज़ किया था एगलेस केक बनाने में, ये गोल लंच बॉक्स है। तो ये मैं ले रही हूँ, इसके अंदर मैं ये दूसरा लंच बॉक्स डालूँगी इस तरह से। इसमें जो स्पेस बच रही है यहाँ पर और इस साइड, इसमें मैं पानी डाल दूँगी, 1/4 कप पानी डाल दूँगी और तब मैं इसके अंदर डो डालूँगी ताकि जब काम हो तो पानी गर्म हो जाएगा और थोड़ा सा स्टीम इन्वायरमेंट इसके ऊपर होगा तो ऊपर जो माइक्रोवेव का जो बनेगा तो जो ढोकला होगा ऊपर उसका क्रस्ट नहीं बनेगा, वो भी नरम रहेगा। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि ढोकले का ऊपर का हिस्सा बिस्किट की तरह कड़ा हो जाता है, तो वो भी मॉइस्ट रहे इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और मैंने डो में एक्स्ट्रा वाटर इसलिए डाला था क्योंकि बीच का हिस्सा कुकी ना बने, और वाटर वाला इसलिए कर रही हूँ कि ऊपर का हिस्सा कुकी ना बने। तो ये मैं इस तरह से करके डो, इसमें मैंने ग्रीसिंग कर ली है, ये मैंने देसी घी लगाया, आप चाहें तो रिफाइंड लगा सकते हैं। अब मैं फाइनल डो को तैयार कर लेती हूँ। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर ये डाल के तुरंत मिक्स करना है, ये तुरंत ही फ्लफी हो जाएगा, ज़्यादा देर मिक्स नहीं करना है। ये फ्लफी हो गया है, बस अब मैं इसको इस मोल्ड में पोर कर दूंगी। इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि ये इवन हो जाए। अब मैं इसमें वाटर ऐड कर दूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा पानी डाल रही हूँ। और इसको अब मैं 5 मिनट के लिए 100% माइक्रोवेव में रखने जा रही हूँ। ये हमारा ढोकला तैयार हो गया, अब इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। ये बन चुका है, अब मैं इसको ट्रे में निकाल लूँ। इसमें हटाने का झंझट नहीं होता, माइक्रोवेव में कोई भी चीज़ चारों तरफ से सिकड़ जाती है, तो उसकी फ्लफीनेस आप देख रहे होंगे कि कितना फ्लफी है ये, कितना स्पॉन्जी हो गया है, ये बहुत बाउंसी है, ये देखो आप इधर से भी देखो। और ये आप जो कॉर्नर देख रहे हैं, ये कॉर्नर इसके डब्बे के ऊपर जमता है, जो वो सूख जाने के बाद ये कुकीज़ जैसा बन जाता है, ये चीज़ जो कम स्टीम हो तो शुरू का है, बाकी ये खूब ज़्यादा फ्लफी हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ। ये आप देखो कितना स्पॉन्जी है ये और कितना बाउंसी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ये जब ये टेम्परिंग होगी तो ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है पानी के कांटेक्ट में आकर के, और जो हमने इसमें सोडा मिलाया, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा मिलाया है, वो इसके बाउंड को बना के रखता है ताकि ये मुंह में घुले, बर्तन में ना गिरे। तो जो शॉपकीपर है वो भी इसी तरह से ढोकला बनाते हैं ताकि वो उतना बंच ऑफ ढोकला ट्रे में रख करके 2-3 दिन में बेच सके, वरना वो उस ट्रे पर ही टूट जाएगा। ये मैंने पीसेस कर लिए हैं और अब इन पीसेस में तड़का लगाऊंगी, मैं टेम्परिंग करूंगी इसकी। ऑयल गर्म हो गया है, अब इस ऑयल में मैं ब्लैक मस्टर्ड डाल दूंगी। अब इसमें वाटर ऐड करूंगी,
3 टेबलस्पून वाटर ऐड किया है मैंने, और इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी। जब मैंने इसमें मस्टर्ड सीड क्रैकल किया था, उसके क्रैकल होने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था, देन वाटर ऐड किया था, क्योंकि अगर आप गर्म ऑयल में वाटर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा स्प्लैशिंग होती है, उड़ती बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। और दोबारा गैस ऑन किया है और मैं इसमें शुगर ऐड करके अभी इसको मैं गर्म होने दूंगी। जब शुगर सिर्फ बन जाएगा तब इसमें ग्रीन चिली डालूंगी, ताकि ग्रीन चिली का कलर एज इट इज़ रहे। अगर मैं वो तड़के में डाल देती तो वो जल जाता और वो अपना बेस्ट कलर नहीं दे पाता। शुगर सिर्फ बॉयल हो गया, मैं ग्रीन चिली इसमें डाल दे रही हूँ। मार्केट में दो तरह की चिली आती है, ये वाली चिली थोड़ी सी कम हॉट होती है, ये वाली मैंने डाली है। लिटिल बिट ये बॉईल होगा और फिर मैं गैस बंद कर दूंगी। चिली बन गया है, अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। अब ये शुगर सिर्फ इसमें पोर कर देंगे। ढोकला में एक चीज़ ध्यान रखने का है कि इसकी स्पॉन्ज अच्छी हो और इसकी बॉडी अच्छी हो, इतनी फ्रजाइल ना हो कि जब आप इसमें शुगर सिर्फ डालें तो उठाते समय ये बीच में ही रह जाए। इनिशियली जब मैं ट्राई करती थी तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था कि ढोकला बीच से टूट जाता था, लेकिन अब इसकी बॉडी टाइट हो पाती है। 2-3 रीज़न है, अगर माइक्रोवेव में बनाते हैं तो उसके टेक्सचर का ध्यान रखिए कि माइक्रोवेव में खाना बहुत ज़्यादा एवोपरेट होता है, तो उसमें पानी के कॉन्टैक्ट में ही वो हो, वाटर ज़्यादा पड़ेगा। और अगर आप स्टीम पे बनाते हैं तो डो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। दूसरी बात, हम इनो का यूज़ नहीं करेंगे या कोई भी फ्रूट सॉल्ट का यूज़ नहीं करेंगे। जब हम बेकिंग सोडा में बनाते हैं इसको तो ये बहुत अच्छा बनता है और काफ़ी फ्लफ़ी और इसकी बॉडी बनती है। और अगर बेकिंग पाउडर डालेंगे तो इसमें नट अच्छी तरह से होगा, और बेकिंग सोडा जो पिंच ऑफ मैंने डाला है अगर वो डालेंगे तो इसकी बॉडी टाइट रहती है, ये टूटता नहीं है, खाने में भी मुंह में घुलता है, हाथ में पिघलता नहीं है, तो ये बहुत अच्छा अच्छी तरीके से बन जाता है और आप बहुत अच्छे से इसको सर्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट ढोकला रेसिपी में भी बहुत लोगों ने फॉल्ट किया और बेकिंग सोडा उन्होंने 1 टेबलस्पून डाल दिया। बेकिंग सोडा हमेशा किसी चीज़ में क्रंच लाने के लिए, ये बॉडी देने के लिए डाली जाती है, तो अगर आप बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो एक वो बहुत सॉल्टी और उसका पंजन टेस्ट होता है, खारा स्वाद होता है, तो वो आप खा नहीं सकते और वो हेल्थ के लिए भी उतना अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका सिर्फ यूज़ है कि आप बॉडी को टाइट कर सके, तो वो पिंच ऑफ सोडा भी केक की बॉडी हो या फिर किसी भी रेसिपी में आप आटा केक भी बनाते हैं उसमें भी डालेंगे तो वो बहुत अच्छा स्पॉन्ज को बाइंड करके रखता है, और बेकिंग पाउडर स्पॉन्ज देता है और बेकिंग सोडा उसको बाइंड करके रखता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ढोकला क्या, अगर आप माइक्रोवेव में केक भी बना रहे हैं तो पिंच ऑफ सोडा ज़रूर डालें। अब मैं इसको ग्रीन चिली से थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। इसका लुक अच्छा आ गया। अगर आप चाहे तो कोरिएंडर लीफ डाल सकते हैं, आप चाहे तो करी लीफ डाल सकते हैं। बॉडी अगर अच्छी बन जाती है तो आप फिर इसमें बहुत वैरायटीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा ढोकला तैयार हो गया है।